सत श्री अकाल, नमस्कार। इंडिया न्यूज़ से तुहाडा सब दा स्वागत है। मैं हर्षदीप सिंह। खबरां दी शुरुआत कर लैंदे आं हैडलाइंस दे नाल। पंजाब सरकार वल्लों शराब दी होम डिलीवरी देण दा फैसला। विरोधी धिर दे लीडर हरपाल चीमा दा दोष कहा इस नाल मुड़ सरगर्म होवेगा शराब माफिया। दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रैस वे गुरु नगरी अमृतसर नूं बाहर कटन दा मामला। सेवा सिंह सेखवां आए गुरजीत सिंह औजला दे हक। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने मुड़ कीती मंग। कहा संगतां नूं गुरु घरां च कीता जावे एकांतवास। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं जरूरी समान मुहैया करवाउण दे दित्ते निर्देश। कांग्रेसी आगू राणा गुरजीत सिंह ने डॉक्टरों की सहायता लिए बनाई ब्रिगेड। कहा मैं खुद करना चाहता सी कोरोना मरीजों की सेवा पर डॉक्टरों ने नहीं किया अलाउ। हुण जानदे खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब विधानसभा च विरोधी धिर दे लीडर हरपाल चीमा ने कहा है कि सरकार वल्लों घर घर शराब की होम डिलीवरी करन दा फैसला पूरी तरह गलत किया गया। इस नाल शराब माफिया नूं बदन फुलण दा मौका मिलेगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों तो साबका मुख्यमंत्री बादल वालों अपील की गई थी कि लोग श्रोमणी कमेटी के लंगर लई कणक होर समान पुजदा करन, क्योंकि कोरोना वायरस के मद्देनज़र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आमदन घट गई है और लंगर निरंतर जारी ने। चीमा ने कहा है कि दूजों को अपील करने की थान बादल परिवार सब तो पहला खुद जिनस श्रोमणी कमेटी को पुजती करे। उन्होंने आख्या कि जेकर इन्नी जल्दी श्रोमणी कमेटी के खजाने खाली हो गए हैं तो साफ है कि प्रबंधा च वड्डी कमी है। जी शराब आ इस कोई शक नहीं है कि शराब तो बहुत बड़ा मालिया पंजाब सरकार नूं प्राप्त हुंदा गा, पर लेकिन जी होम डिलीवरी करनी आ ये बहुत माड़ी गल है, क्योंकि जेकर होम डिलीवरी करते हो तो तुसी जी गैर कानूनी शराब आ जिहड़ा शराब पंजाब च बहुत वड्डी पद्धर ते बिकदी है, शराब माफिया एक बहुत बड़ा माफिया पंजाब दे विच, उहनूं किवें ठल पाओगे तुसी? इहदा मतलब किवें आइडेंटीफाई करोगे कि यह बंदा जिहड़ा हैगा कानूनी शराब लैके जा रहा या बंदा गैर कानूनी शराब लैके जा रहा? क्योंकि जदों शराब दे ठेकियां ते कोई बंदा शराब लैण जांदा गा तो उहनूं कोई जिहड़ा हैगा बिल नहीं कट कीता जांदा वी तूं एक बोतल खरीद के लै गया या दो बोतल खरीद के लै गया। सो मैं समझदा इहदे नाल जिहड़ी गैर कानूनी शराब दा धंधा गा पंजाब च होर वधूगा और शराब माफिया जिहड़ा हैगा होर ताकतवर होगा। और इत्थों इह वी स्पष्ट आ कि कैप्टन साहब ने जिहड़ा हैगा शराब माफिया के गोडे टेकते गए। तुसीं देखो भी ना तो उन्होंने हैल्थ डिपार्टमेंट की गल की ना उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेंटर नाल गल की, जो सेंटर नाल गल की तो कल्ले शराब के इशू पर की होर किसी इशू पर गल नहीं की। हाँ मीडिया जरूर गल्लां करदे नेगे कि केंद्र सरकार आह चीज़ देवे मैनू सेंटर सरकार आह चीज़ देवे, पर लेकिन जो गल सेंटर नाल की तो सिर्फ शराब के मुद्दे पर की ना पंजाब के जिहड़ा हैगा हैल्थ सैक्टर बारे कोई गल की भी सानू इहदे लई पैकेज चाहिए ना ऑनलाइन की पढ़ाई बारे बच्चों बारे की। तुसीं देखो भी अब सारे सरकारी स्कूलों के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ाई हो रही उन्होंने, जबकि प्राइवेट स्कूल तो पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की? क्यों नहीं जिहड़ा लोकल मीडिया जिहनूं आपां कह लईए भी केबल टीवी आ मीडिया के जिहड़े कर्मी ने उन्होंने क्यों नहीं जिहड़ा हैगा शामिल किया? कांग्रेसी आगू राणा गुरजीत सिंह ने कहा है कि वह कोरोना वायरस के पीड़ित मरीजों की सेवा करना चाहते सन पर डॉक्टरों ने आग्या नहीं दी, इसलिए हुण वह नौजवानों दी टीमां बनाउण जा रहे हैं जो कि ट्रेनिंग लैके डॉक्टरों की इस मदद करनगे। जिहड़ा जिहड़ा जिस जिस फील्ड असी किसी फील्ड के भी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मेरे मन से कि भी कोविड पेशेंट्स की अगर सेवा करने का मैनूं मौका मिले तो मैं अपने आप खुश नसीब समझदा। कल मैं 8 बजे 8:30 बजे कोविड सेंटर गया, जांदियां नूं सामने डॉक्टर भोला खड़े सीगे, इन्हां नूं किसी ने इतलाह कर दित्ती कि राणा गुरजीत सिंह अज कोविड सेंटर आ के सेवा करना चाहुंदा, तो ही डिड नॉट अलाउ मी। मैनूं बुरा भी लगा, इन्हां ने डॉक्टर अपने धवन इन्हां दोनों च दो जने इकट्ठे हो गए एंड मैं इन्होंने समझाया कि डॉक्टर साहब जब का मैं राजनीति चा ना तुम बड़े यंग डॉक्टर से तुम इदा नहीं करना चाहिए, यू शुड लेट मी, मैनू मौका देना चाहिए, चाहे तुम बहुत सीनियर डॉक्टर हो चुके मैं मन लिया। बट इन्होंने फिर सिविल सर्जन सद लिया, फिर DC सद लिया, फिर SSP सद लिया, तो सारे ने करीब मैं बहुत देर इंसिस्ट किया कि मैं काम करना मौका दिता जाए, मैं 5-7 दिन काम करा उसके बाद मैं क्वारंटाइन हो जाऊँगा। और द डे आई एंटर द क्वारंटाइन मैं उस कोविड सेंटर मैं अपने आप को क्वारंटाइन कर लूँगा
और जिदन मैं 5 दिन 7 दिन जिन्हें दिन की तुम मैं सेवा 5-7 दिन की सेवा मैं अपने आई वॉन्टड ओनली 5 to 7 days दे इन्होंने मैं अलाउ नहीं किया। देखो जी जे कहो कि सारा काम राणे नहीं कर लेना ये भी गल झूठी है। ये समाज च आप देखो जो हॉस्पिटल वाली गल छेड़ी आ खाली कांग्रेस नहीं समाज सेवक कई आने ज्वाइन करे जेडे जेडे केपेबल हो डॉक्टर साहब रख लेंगे उन्होंने कम देंगे ट्रेन करे घर भेज देंगे लोड़ पैण से जिम्मे फौजी सदर ही दिया इधर लोड़ पैण से उन्होंने फिर सदा। टकसाली अकाली दल के आगू सेवा सिंह सेखवा ने कहा कि दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रैस वे गुरु नगरी अमृतसर को बाहर क्ढना सिखा पंजाबियों के माझे के लोगों धक्का है इसलिए उस संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला के नाल ने सेखवा ने कहा कि माझे को जो भी प्रोजैक्ट केंद्र वालों दिता जाता है वह पंजाब के दूजे शहरों से तब्दील कर दिया जाता है जिसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स वड्डी उदाहरण है। 2016 दिल्ली अमृतसर एक्सप्रैस वे बनना बन की प्रपोजल बनी थी जिड़ी के भारत सरकार की भारत माला ना की स्कीम है जिदे तहत ये सारे हिंदुस्तान में सड़क बनिया ने वो ये सड़क भी अपरूव हुई जेदे अपरूव होने तो बाद 2016 सरदार सुखबीर सिंह बादल ने ते खट्टर साहब जो चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा के इन्होंने दोवे ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया लेकिन मैनू ये पता लगा आ कि जिहड़ी प्रपोजल 2016 बनी सी कि दिल्ली तो अमृतसर तक ये एक्सप्रैस वे बनना आ वो हुण अमृतसर नूं विचों डिल्यूट कर दिता गया है तो अमृतसर की बजाय दिल्ली तो खटड़ा जिहड़ी आ ये एक्सप्रैस वे बन रही आ ये अमृतसर नाल नहीं ये सारी सिक्खी नाल धक्का आ सारे पंजाबियों नाल धक्का आ। जदों भी अमृतसर नूं कोई चीज़ मिलती आ तां साडी त्रास वी आ कि वो चीज़ां जिहड़ियां ने अनाउंस ते इस करके हुंदियां ने कि अमृतसर की जिहड़ी इतिहासिक महत्ता आ श्री दरबार साहब का जिहड़ा बहुत वड्डा स्थान है दुनिया च उहदे करके वह चीज़ां मंजूर हुंदियां लेकिन लोकी आपो अपने पोलीटिकल फायदे लैण वास्ते वह अमृतसर की बजाय पंजाब के दूजे शहरों नूं लै जांदे आ। लुधियाणा के डिप्टी कमिश्नर वालों दस्सिया गया कि जिले च कोरोना वायरस के केसां की गिणती 123 हो गई है तो 20 मरीज़ जिले तो बाहर दे ने जो लुधियाणा के होस्पिटलों दाखिल ने। उन्होंने दस्सिया कि जिले च 110 एक्टिव केस ने। डिप्टी कमिश्नर मुताबक प्रवासी मजदूरों को वापस भेजन लिए 3 रेल गड्डियां रवाना कर दित्तियां गईयां ने ते होर ट्रेनां लई केंद्र सरकार तक पहुँच बनाई जा रही है। जिला लुधियाणा 3608 सैंपल जिहड़े हैगे उह कलैक्ट कीते गए ने जिदे विचों 3267 सैंपलों की रिपोर्ट जिहड़ी हैगी उह प्राप्त हो चुकी है। कल की रिपोर्ट के मुताबिक असी 124 केस जिहड़े सीगे उह पॉजिटिव दसे सीगे लेकिन जब असी उन्होंने एनालाइज किया तो एक केस जिहड़ा हैगा वह जिला बठिंडे नाल संबंधित निकलिया हैगा तो साडे जिला लुधियाणा के जिहड़े सैंपल हैगे वह हुण 123 हो गए हैं और अब बाहरले डिस्ट्रिक्टां दे जिहड़े सैंपल्स हो गए हैं वह 20 हो गए हैं। माइग्रेंट्स लेबर की हुण तक 3 ट्रेनस जिहड़ियां हैगियां वह जिला लुधियाणा तो असी वख-वख स्टेटां दे वास्ते भेज चुके हैं जिन्हां विचों 2 ट्रेन जिहड़ियां हैगियां वह यूपी दे वास्ते ते 1 ट्रेन जिहड़ी हैगी वह झारखंड दे वास्ते गई हैगी। असी जिहड़े भी पैसेंजर्स हैगे जिन्हां नूं इस इन्हां ट्रेनां दे राहीं भेजना हुंदा है उन्हां नूं असी एडवांस दे विच SMS जिहड़ा हैगा वह भेजदे ने। उन्हां नूं जब बसां च बिठाया जांदा है तां उदों उन्हां दे SMS जिहड़े हैगे वह चैक किए जाते हैं। उस तों बाद एक जिहड़ी डेजिग्नेटेड थां असी बनाई हैगी उत्थे उन्हां दा मैडिकल स्क्रीनिंग जिहड़ी हैगी वह की जाती है और जिहड़े बंदे मैडिकल स्क्रीनिंग दे विच ठीक पाए जाते हैं उन्होंने फिर ट्रेनों के राही बोर्ड करा के उन्होंने रेस्पैक्टिव स्टेटा के भेजा जा रहा है। तो हूँ तक इस प्रोसैस जोड़ा है वो काफ़ी स्मूथ तरीके चलता पाया। कल एक ट्रेन तो अच्छ 2 ट्रेन जीडिया है इस गई असी होर ट्रेन की जी है डिमांड कर रहे हैं। साढ़े स्टेट के जोड़े नोडल ऑफिसर्स हैं वो कंसर्न स्टेटा के टाइअप करके NOCs लेके रेलवे में इंडेंट पेस करे जा रहे हैं और जिमें जिमें साढ़े को कन्फर्मेशन ट्रेन की आई जा रही है असी लोगों जलंधर के डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार ने लोगों संबोधन होंदया कहा कि COVID-19 जल्दी खत्म होने वाला वायरस नहीं है सानू इस दे नाल जीवन की आदत पानी पवेगी। जिन्हां लोगों को अपील की कि घरों बाहर आने समय सोशल डिस्टेंस का साफ ध्यान रखा जाए।
और काफ़ी हद तक लोगों वालों पालन किया जा रहा। सरकार वालों जिहड़े जिहड़े भी आदेश आ रहे हैं हौली हौली असी करके जो कुछ खोल सकते हैं वो असी हुण तक खोलिया भी है। और अगे नूं जिद्दां जिद्दां कोई डिमांड आ रही है और जलंधर की कंडीशन देखते हुए जो जो भी असी रियायत दे सकांगे उहदे बारे विचार करांगे। बट मेरी लोगों नूं एक बेनती हैगी है कि भी एक ऐसी चीज़ है, मैं दो तीन दिनों तो ये गल रिपीट कर रहा हूँ, जिवें कि तुहानूं पता भी वड्डे वड्डे साइंसदान डॉक्टर और जिहड़े साडे करता धरता हैगे ने देश दे, वो सारे गल कह रहे ने कि भी ये वायरस है जिहड़ा ये नहीं है कि 15-20 दिन या महीने की गल है, थोड़ा लंबे समय लिए रहेगा। जदों ये हौली हौली टेपर डाउन भी हुंदा फिर भी इहदी जिहड़ी प्रेजेंस है वो बनी रहेगी। साडे बच्चे बजुर्ग और आपां नूं थोड़ा जिहा मतलब इस गल लई चेतन रहना पवेगा कि असी हाउ टू लिव विद इट, हाउ टू लिव विद इट मैं अंग्रेजी च बोलिया भी ये जोना आपा किदा हैगा। ये साल जदों भी कोई महामारी आती है तो मानवता लिए सब तो वड्डा संकट ये पैदा हो जाता भी तुसी जोना किदा हैगा। हुण बड़ी कॉम्पलैक्स सिचुएशन है, उद्योग धंधियां ते जिथे असर पिया है, लोगों की आमदन ते असर पिया, दिहाड़ीदारां ते असर पिया, किसानां ते मजदूरां ते सारयां ते उद्योग घरानां ते पिया। हुण आपां इस गल नूं किदां लैणा, आपां जिथे एक पासे चढ़दी कला च रहना पर अपना टीचा यह होना चाहिए कि इहदे चों आपां बचना किदां, सर्वाइवल किदां करनी है। महामारी चों सब तो वड्डा टीचा यह हुंदा है। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि श्री हजूर साहब तो आईया संगतों को दोषी कहना सरासर गलत है। उन्होंने दसिया कि श्रोमणी कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि संगतों हर जरूरी समान मुहैया करवाया जाए। सिंह साहब ने कहा है कि संगतों को डेरिया चो कढ़ के गुरु घर दीआं सरावां दे विच एकांतवास किया जाए क्योंकि डेरिया च मुकम्मल प्रबंध नहीं ने। निशाना बनाने का यत्न किया जदों भाई बलदेव सिंह पॉजिटिव आया सी, उस तो बाद एक लहर चलाई प्रवासी साडे सिख भाईचारे के खिलाफ कि ये करोना का वड्डा कारण बने है। वाहिगुरु ने उत्थे भी सिख जगत की पत रखी तो फिर हुण जिहड़ा हैगा हजूर साहब तो आई संगत नूं जिहड़ा निशाना बनाने का यतन हो रहा। बीमारी जिहड़ी है वह कोई धर्म जात लिंग गो भेद आदि देख के नहीं लगती है, ये किसी नूं भी लग सकती है। तो हजूर साहब तो आई सिख संगत नूं जिहड़ा है ये कह के निशाना बनाना कि ये संगत जिहड़ी है ये बंब बाणी है फलाना है या कई तरह दी होर अभद्र टिप्पणियां, ये बिल्कुल जिहड़ा कोई भी सभ्यक मनुख जिहड़ा है इन्हां नूं बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत मंदभागी गल है जिहड़ियां इस तरह दी टिप्पणियां जिहड़ियां सिख संगत दे बारे हो रही। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कहा है कि पंजाब दे विच जिथे भी किते पॉजिटिव केस हन उन्हां लई जिहड़ा जरूरत मई समान जिहड़ा है वह जरूर मुहैया करवाया जाए, जिवें टुथब्रश हो गया, साबणा हो गया, पेस्ट हो गया, जां नहाउण वास्ते कोई टब बाल्टी हो गई, ये जरूर उन्हां नूं मिलना चाहिए। तो सरकार नूं भी जिहड़ा उन्हां दे खाण पान का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जे खाण पान वधिया नहीं होगा तो वह बीमारी नाल किवें लड़ पाऊ। रहण वास्ते अकोमोडेशन का प्रबंध नहीं है, उत्थे शैड बने हुए हैं तो शैड के थले जिहड़ा है गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा तपश हो जाती है क्योंकि शैड तप जाता है तो उत्थे रहना जिहड़ा उन्हां वास्ते संभव नहीं है किसी भी प्रकार का। हालात जिहड़े है जे चंगे नहीं रहिंदे माड़े भी नहीं रहिंदे है और मैनूं पूरा यकीन है अपने अकाल पुरख के गुरु के उत्ते कि जिन्हें भी पंजाब दे विच पॉजिटिव केस ने ये जल्द सेहत याब होकर अपने घरों में जाएंगे। श्री मुक्तसर साहिब दे विचों प्रवासी मजदूरों वापस भेजन के मुद्दे पर अकाली आगू डिंपी ढिल्लों और कांग्रसी विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दरमियान टीवी उपर बहस हुई सी। प्रवासी मजदूरों लिए बसा लैके पहुँचे डिंपी ढिल्लों ने कहा कि स्थानक विधायक हाथ खड़े कर गया, इसलिए वो अपन निजी बसा से प्रवासी मजदूरों वापस छड़न लई जाणगे। MLA साहब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी तो मेरी आमण सामने गल हुई सी, तो उस गल के दौरान उन्होंने बेनती की सी साढ़े जेडे प्रवासी मजदूर अपना मजदूर आ गिदड़वे दे इस गिदड़वा अपना हल्के दे ये सारे तुसी बाहर भेज दो। मैं कहा जी तुसी थोड़ी सरकार हथ खड़े कर दी आ भी थोड़े कोले कोई साधन नहीं, तुहाडे कोले कोई समान है नहीं इन्हों भेजन वास्ते, तो MLA साहब ने हथ खड़े करते भी साढ़े कोले साढ़े हथ खड़े आ जी साड़ी सरकार असमर्थ आ, तो आप जो उन्होंने हाथी खड़े करते तो लिया के असी सारिया बसा SDM साहब नूं देण वास्ते आए हैं, उन्होंने सपुरद करन वास्ते आए हैं भी जिन्हें भी गिदड़वे हल्के दे कोई भी सज्जन बाहरों आया वह बाहर जाना चाहता चाहे जिन्हें मर्जी होन उस सारे आप अपनी बसा राही बाहर भेजा।
पंजाब सरकार वालों स्थापित कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने दस्सिया कि सूबे में कोरोना वायरस के कुल केसों की गिनती 1650 से उपड़ गई है। बीते दिन 175 नवे मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने दस्सिया कि बसां फिलहाल नहीं चलाईयां जाणगियां ते बसां की वरतों प्रवासी मजदूरों ते विद्यार्थियों नूं दूजे सूबियां च छड्डण लई ही कीती जाएगी। पंजाब के कोविड के आंकड़े कुल पॉजिटिव 1644 जो कि कल की गिनती नालों 118 वध हैं, ठीक हुए 149, कुल मौतां 98। विश्व के आंकड़े संक्रमित हुए 38,42,000, ठीक हुए 13,14,000, मृतक 2,66,000। भारत के आंकड़े संक्रमित हुए 53,045, ठीक हुए 15,331, मृतक 1787। पंजाब सरकार ने 8 मई तो सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे तक सारे सेवा केंद्रों में काम शुरू करने लोड़ी हदायत जारी कर दी हैं। पंजाब अधीन सेवावान चोन बोर्ड ने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की पोस्ट लई रिजल्ट डिक्लेयर कर दिता है। बोर्ड की वैबसाइट punjabssb.gov.in ते अपलोड कर दिता गया है। प्रवासी मजदूरों और होर यात्रियों नूं सफ़र दौरान कोविड-19 महामारी तो बचने लई पंजाब सरकार ने सरकारी और प्राइवेट बसों संबंधी एडवाइजरी जारी की है, जो इस प्रकार है। ज़िले के अंदर और एक ज़िले तो दूजे ज़िले में बसों ते चलन ते मनाही रहेगी। अजे तक रैगूलर बस सेवा शुरू नहीं हुई। जदों तक रैगूलर बस सेवा शुरू नहीं होंगी उदों तक सिर्फ उही बसा चलनगियां जिन्हां द्वारा प्रवासी मजदूर और विद्यार्थी वापस भेजे जा रहे हैं। सरकारी होस्पिटलों खामियां दी खबरां तो रोजाना ही सुनाई दिंदियां ने, पर बीते दिन फाजिलका के हस्पताल च मरीजों की डॉक्टरों के नाल नचदियां दी एक वीडियो सामने आई। जदों इत्थे दाखिल होए कोविड-19 प्रभावित मरीजों नाल गल की गई तो वह हस्पताल के प्रबंधों तो खुश दिखाई देते, जिन्हें डॉक्टरों के काम की शलाघा की। मैं तकरीबन इतने 9:30 बजे आराम सरा इतने डिस्पेंसरी पहुंचा या हॉस्पिटल इतने पहुंचा। मैं इतने सरदार जी से डॉक्टर, मैं उन्होंने नाम तो नहीं जानता पता, सरदार जी थी उन्होंने साढ़े जिन्हें भी पेशेंट आए सारे का टैंपरेचर चैक किया। टैंपरेचर चैक करके एक एक को उन्होंने बैड दिता, बैड दे के सब का लंगर पानी अरेंजमेंट किया जी। उन्होंने सानू बाद पता लगे भी इतने के हेड ने सानू उस बाद उन्होंने असिस्टेंट या कोई होर भेजा जी, कहते भी किसी को भी कोई दवाई दी या किसी को कोई प्रॉब्लम हो सानू दसा जे, सानू फोन दया कर जे। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिते जी। असं इस प्रशासन तो इन्ने खुश हैं जी। इस प्रशासन ने हूँ तक डे बाय डे साड़ी बहुत ज़्यादा सेवा हो जी, बहुत ज़्यादा जी। संतान बेनती है सच्चे पातशाह जी श्री हजूर साहब, असं 27 तरीक न बसा राही अबोर पहुंचे। अबोर आके सूँ कैप्टन सुरेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल के रखा गया है, जिते असी बहुत सुरक्षित ठीक ठाक है। सानू किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। असी 9 बर 9 हैं, समय सिर रोटी पानी चाह दुध का इंतजाम है। बाकी सच्चे पातशाह अगर बेनती है जल्दी करें पहुँचावे। भारत के सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आयुर्वेदा भारत कोल है ते इसनू असी कदे भी सही तरीके नाल प्रमोट नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अज के समय च जरूरत है कि आयुर्वेदिक दवाइयां नू सही स्थान मिले। कि शायद आज आयुष मंत्रालय को इस अवसर पर जितनी खुशी होगी उससे कई गुना ज़्यादा खुशी आज के इस अवसर पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर है। केवल एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी पूरे जीवन मैंने इस विषय को एडवोकेट किया है और शायद कोई ऐसा फोरम नहीं होगा पिछले 3 दशक में जहां मैंने ये ना कहा हो कि आयुर्वेदा की जो हमारी संपदा है, इसकी जो ताकत है, इसको हम सब तो जानते हैं, हम सब पहचानते हैं, हम सब के पास इसका बहुत विस्तृत हमारे वेदों में और दूसरे शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन दुनिया इसको
जानते हुए भी औपचारिक तौर पर उस प्रकार का सम्मान केवल इसलिए नहीं देती क्योंकि हमने कभी इसको आज के इस मॉडर्न युग में मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके और मॉडर्न वर्ल्ड के सामने इसको प्रस्तुत नहीं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने बयान दिता है जिन्हें आख्या कि वह शराब की होम डिलीवरी के सरासर खिलाफ ने। उन्हें कहा कि पंजाब दे विच्चों तकरीबन 8 लाख प्रवासी मजदूर ने वापस अपने सूबे नूं जाण दे लई अपलाई किया पर केंद्र सरकार वालों महज 10 रेलगड्डिया ही पंजाब नूं दित्तियां गईयां ने। तां सरकार जवाब देवे कि 10 रेलगड्डिया राही 8 लाख मजदूर किंज वापस जा सकते ने। मैं ऑनलाइन डिलीवरी के मैं खिलाफ हूँ, मैं चाहता हूँ कि ठेके सीधे खोलने चाहिए। आखिरी सवाल, माइग्रेंट लेबर्स को लेके पंजाब सरकार ने कहा है कि यहाँ से जल्द जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। देखिए, मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि माइग्रेटरी जो लेबर है उनको अपने घर जाने दीजिए। हर इंसान चाहता है कि ये मुश्किल की घड़ी में वो अपने परिवार के साथ रहे। मुझे 2-3 बार सेंटर के मिनिस्टर का टेलीफोन आया, उन्होंने हमसे सजेशन मांगी। मैंने उनको स्पष्ट कहा आप ये आपका फैसला गलत है, इनको घर जाने दीजिए। अगर शुरू में जाने देते शायद इतनी प्रॉब्लम ना होती। अब 8 लाख मजदूर पंजाब से जाने के लिए तैयार हो गया तो ये 10 ट्रेनें कैसे ले जाएंगी? ये तो शायद 2 महीने लग जाएं। सिर्फ तो ये तो दिहाड़ी में 100-100 ट्रेन चलेगी तो आप बात बनेगी। सो अब ये बात शुरू की है तो इधर से बिहार को जाना चाहिए, बिहार से जो पंजाबी इधर आने चाहिए उनके लिए भी ट्रेनें चलनी चाहिए। सो जाने जाने एक बार मुड़ तो नज़र मारते हैं हेडलाइंस पे। पंजाब सरकार वालों शराब की होम डिलीवरी देने का फैसला, विरोधी धिर के लीडर हरपाल चीमा का दोष कहा इस नाल मुड़ सरगर्म होगा शराब माफिया। दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रैस वे गुरुनगरी अमृतसर नूं बाहर कटन दा मामला, सेवा सिंह सेखवा आए गुरजीत सिंह औजला दे हक। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने मुड़ कीती मंग, कहा संगतां नूं गुरु घरां च कीता जावे एकांतवास, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं जरूरी समान मुहैया करवाउण दे दित्ते निर्देश। कांग्रेसी आगू राणा गुरजीत सिंह ने डॉक्टरों की सहायता लिए बनाई ब्रिगेड, कहा मैं खुद करना चाहता सी कोरोना मरीजों की सेवा पर डॉक्टरों ने नहीं किया अलाउ। खबरों ते जानकारियों का सिलसिला इत्थे समाप्त होंदा है, जल्द हाजिर होवांगे कुछ होर नवीं खबरों के नाल। तद तक दे ले दिओ इजाजत, धन्यवाद।